वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमएच सेफ 2020 में पूछा गया था। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन तो आपका सिंपल बेसिक है जो 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, और जो सेकेंड है वो सिंपल टेलर सीरीज एक्सपांशन का क्वेश्चन है कि आपको एक फंक्शन दिया है और उसका पावर सीरीज एक्सपांशन आपको लिखना है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को डिस्कस किए, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 100 डेज चैलेंज, ठीक है। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये कह रहा है कि जेड और डब्ल्यू की कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या कह रहा है कि जेड डब्ल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट कि उनका प्रोडक्ट और सम क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो एक तो माइंड में ये आता है कि जेड और डब्ल्यू अगर दोनों रियल नंबर हो जाए, जेड और डब्ल्यू अगर दोनों रियल नंबर है तो रियल नंबर अपने आप में क्लोज है, यानी कि जेड और डब्ल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे या जेड और डब्ल्यू को एड करेंगे तो दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया कि सी जे डब्ल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बात होती है कि और भी कुछ कंडीशन है कि जे और डब्ल्यू के प्रोडक्ट को और सम को रियल नंबर कर दे। तो हमने कॉन्जुगेट करके एक टर्म पढ़ा कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ एड कर दे तो भी एक रियल नंबर आता है, और किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तब भी नंबर रियल आता है। जैसे जेड और जेड बार को जब हम ऐड करते हैं x प्लस आई वाई, तो कौन जेड बार यानी कि x माइनस आई वाई, ये हमारा जेड है, ये उसका कॉन्जुगेट है। तो ये यहां से कैंसिल होकर 2x आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये एक रियल नंबर हो गया। तो यानी कि अगर जेड और जेड बार, यानी कि जेड को अगर मैं w का कॉन्जुगेट ले लू तब उनका सम क्या होगा, रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन पे भी आपको पता होगा कि जब भी किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहीं पे भी आई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब इससे तो हमारा दो ऑप्शन करेक्ट हो गया कि बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन, बट इससे भी स्ट्रॉन्ग ये है कि डी में ये दोनों कह रहे हैं कि या तो जेड डब्ल्यू बार के इक्वल हो जाए, यानी कि एक नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट हो जाए तो उनका प्रोडक्ट और सम हमेशा एक रियल नंबर। तो हमारा डी ऑप्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ए बी सी रॉन्ग और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बी को लेते तो हमें सी भी लेना पड़ेगा, अगर सी को लेते तो बी को भी। अब दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, इसीलिए डी ऑप्शन ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि या तो जे डब्ल्यू बार के इक्वल हो जाए या दोनों रियल नंबर। तो अब सेकेंड क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है कि डिफाइन किया है एक फंक्शन जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक जा रहा है बाय एफ ऑफ जेड को डिफाइन किया 1/z, और कह रहा है कि पावर सीरीज एक्सपांशन क्या होगा एफ ऑफ जेड का अबाउट जेड इज इक्वल टू 1 इन दी डिस्क के। मतलब इस डिस्क के अंदर इस फंक्शन का पावर सीरीज एक्सपांशन लिखना है अबाउट जेड इज इक्वल टू 1, यानी कि जो टर्म्स रहेंगे हमारे वो जेड माइनस 1 जेड माइनस 1 का स्क्वायर इस टाइप के होंगे। तो अब जब भी हमें पावर सीरीज एक्सपांशन लेना होता है तो हमें एक चीज तो पता है, वी नो दैट क्या कि एफ ऑफ जेड अगर 1/z है, ठीक है, और मॉड जेड की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो जब हम इसका एक्सपांशन ओपन करते हैं तो ये हमारे पास 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये एक्सपांशन होता है। तो जब भी आपको किसी पॉइंट के अराउंड, ये तो आपको पता होगा ज्योमेट्रिक सीरीज से आ जाता है कि जब भी मॉड जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1/z का ये हमारा एक्सपांशन। अब देखो सॉरी यहां पे जेड माइनस वन का एक्सपांशन ये आपको पता होगा कि 1/z-1 का एक्सपांशन ये होता है। अब ध्यान से देखो,
ये किस पॉइंट के अराउंड कह रहा है, जेड इज इक्वल टू वन। तो जब भी आपको ये कहे कि आपको एक एक्सपांशन ओपन करना है अबाउट पॉइंट ए, तो कुछ नहीं करना है, यू इज इक्वल टू जेड माइनस ए ले लो। बट यहां पे किस पॉइंट पे बोल रहा है, वन, तो हम लोग क्या ले लेंगे, यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन, और अब इसका एक्सपांशन ओपन कर देंगे और उसके बाद फिर यू को रिप्लेस कर देंगे जेड माइनस वन से। नाउ अब एफ ऑफ जेड क्या है हमारा, वन अपॉन जेड, तो इसके प्लेस से वन अपॉन जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से हमारे पास आ जाएगा u प्लस वन, तो देयर फोर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन। अब अगर u प्लस वन का एक्सपांशन ओपन करेंगे, देखो अगर जेड माइनस वन है तो इसका एक्सपांशन क्या आता है, वन प्लस, सारे साइन प्लस है, लेकिन अगर ये माइनस हो जाए, प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस, अब ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यू माइनस माइनस वन। अब इसका एक्सपांशन ओपन कर दो, अब जहां पे इवन टर्म आ रहे हैं वहां पे वो प्लस रहेगा, बाकी देखिए साइन चेंज हो जाएगा माइनस वन, यानी कि वन माइनस यू स्क्वायर प्लस यू क्यूब, सॉल्व चलते जाएंगे। अब u को रिप्लेस कर दो z माइनस वन से, प्लस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन z माइनस वन, क्योंकि u के प्लेस पे क्या लिखना है, z माइनस वन का स्क्वायर माइनस z माइनस वन का क्यूब, ऐसे ही चलते जाते हैं। तो याद रखना, जब भी आपको किसी पॉइंट के अराउंड अगर बोले अबाउट z इज इक्वल टू यू ए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यू को जेड माइनस ए पुट कर दो और फिर यू के टर्म्स में उसका एक्सपांशन ओपन करो, जहां पे भी जेड दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो यू के टर्म्स में और फिर इसका एक्सपांशन ओपन करो, और बाद में जब आंसर आ जाएगा तो फिर से जो भी यू की वैल्यू उसको पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सपांशन है। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं बट यहाँ पे साइन प्लस है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का क्या निकाल सकते हो, टेलर सीरीज एक्सपांशन बोलो या उसका पावर सीरीज एक्सपांशन निकाल सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपको सपोज जीरो के अराउंड बोलता तो इसी को एक्सपांड कर देते, बट ये अबाउट जेड इज इक्वल टू वन कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, यू को जेड माइनस ए पुट करेंगे, ए वन है तो इसके लिए वन, और फिर यू के टर्म्स में उसको एक्सपांड करेंगे, और जहां पे भी बाद में U लिखा है उसके बेस पे z माइनस वन लिखे। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए था कि f ऑफ z इज इक्वल टू वन अपॉन z माइनस वन, इसका एक्सपांशन ये होता है बाय पावर सीरीज, पावर ज्योमेट्रिक सीरीज से हम लोग लेके आते हैं कि इसका एक्सपांशन ये होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग ऐसे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो MS सेट या किसी भी नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर करो, काफी यूजफुल ये वीडियो रहेगा, इसमें मैं हर एक क्वेश्चंस को पूरे जो भी उसके बेसिक है या फिर जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे बताता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करें।